subscribe our YouTube channel and press bell icon so you never miss any update from our channel. आप लोग सामने के रास्ते से मत जाइए, मैं पीछे की खिड़की खोल देता हूँ, आप लोग वहाँ से चले जाइए। उन सारे मासूमों को मार के इतने दिनों तक तूने कई सारे पाप किए स्वयं, और तूने जो किया है उसकी सिर्फ एक ही सज़ा हो सकती है, और वो है सजाए मौत। विशाल, कहीं इसने मेरी सारी बातें सुन तो नहीं दिया, सुन तो नहीं दिया। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? वो खिड़की खुला हुआ था इसलिए उसको बंद करने गया था। तुम उसे लाए हो ना? हे देव के देव महादेव, आज मुझे शक्ति दीजिए जिसके बल पर मैं इस रूम को आज मार के अपना इंतकाम पूरा कर सकूं और नागना को भी बचा सकूं, क्योंकि आज सवाल नागवंश की नींद पूरी दुनिया की है, आज पूरी दुनिया को मुझे बचाना है। एक बार बस ये काल पसंद पूजा संपूर्ण हो जाए उसके बाद इस नागमुन की शक्तियों को मैं पा लूँगा और इस विशाल को मार दूँगा, क्योंकि इसकी शक्ति में किसी से बांटने नहीं वाला। स्वयं अपना एक पंख इस हवन कुंड में डालो। मेरा पंख? हाँ ठीक है। ये काल प्रसन्न पूजा भी समाप्त हुई। अब तुम अपनी आंखें बंद करके शिव जी का नाम लो। विशाल,
दगा पास, तू मुझे धोखा देगा, मुझसे दगा करेगा। अरे ये क्या, आजाद सबसे बड़े धोखेबाज को धोखा मिल गया तो वो तो बुरा ही मान गया। बात मत पलट, तूने आज जो किया वो अच्छा नहीं किया विशाल, बुरा तो वो था जो तूने मेरे साथ किया था, मेरा भाई बन गया। 16 साल तक मेरे साथ इस घर में रह रहा था सिर्फ इस नागमणी को पाने के लिए। एक बार सोच में तूने कितने सारे पाप किए हैं, सतयुग में तूने मेरे अपनों को मार डाला, मेरे नागवंश की हत्या कर दी, फिर तूने मुझे भी मार डाला, और जब मैं कलयुग में पुनर्जन्म लिया तो तूने मेरे माँ बाप को मार डाला। दिवाली के दिन जब मैं तेरे सच्चाई जाना उस दिन भी तूने एक पाप किया, मेरे दोस्त वंश को मार दिया था। आज तेरे सारे पापों का हिसाब मैं लूंगा स्वयं, तुझे तेरे अंत तक पहुंचाऊंगा मैं। ठीक है मान लेते हैं, बहुत शौक था ना, तो मुझे मारेगा, अब देख कौन किसे मारता है। तुम्हें नागमणी की शक्तियां मिल जाएगी और तुम उसे पालोगे, ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है। खंजर देख रहे हो, ये वही खंजर है जिससे आज मैं तुम्हारा अंत करूंगा। अगर ये सच कह रहा है तो इस खंजर का ही काल है, मुझे इसे अभी नष्ट करना होगा। दूसरी तरफ है, इसकी आगे भी बंद है और मुझे इस नाकनाक को लेकर भागना होगा और मेरे इस चोट को ठीक करना होगा, वरना कुछ ही देर में मैं मर जाऊंगा। हाँ हाँ
और आज इस मनी की शक्ति से मैं सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगा।